हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उर्दू के साथ साथ उन लिखने वालों से भी आपका तारुफ़ करवाएँ जो दूसरी ज़बानों में लिख रहे हैं, और दूसरी ज़बानों में लिखने के साथ साथ वो उर्दू में भी उसी कदर मकबूल हैं। पद्मा सचदेव दोगरी और हिंदी की बहुत ही अहम कहानीकार और शायरा हैं, लेकिन उनकी असल पहचान उनकी डोगरी की वजह से इसलिए भी है कि वो डोगरी में पहली खातून हैं जिन्होंने डोगरी में शायरी की, डोगरी में लिखा, और फिर डोगरी की ही वजह से उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, और उसके बाद ना जाने कहां कहां का उन्होंने सफ़र किया। आज उनके सफ़र की कुछ दास्तान हम आपको सुनाएंगे और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। आपकी तारीख पैदाइश 1940 है, 47 में हमारा मुल्क तकसीम हो जाता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। वो दर्द, उस दर्द को मंटू से लेके और बेदी तक, और बेदी से लेके आज तक इंतज़ार हुसैन तक, हम लोग उस दर्द को झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आपकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, और आपके वालिद इसी लड़ाई की वजह से, इसी पार्टीशन की वजह से शहीद हुए, आपसे अलग हुए। आपकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, 7 साल थी। उस दर्द को फिर उसके बाद, चूँकि 47 का जो वाक़या है वो सिर्फ 47 नहीं बल्कि उसके बाद भी रहा है एक असर, आप उस वाक़े को आपने जो देखा, जियो, महसूस किया उस कम उम्री में, कुछ बताना चाहेंगी? पिताजी हमारे लिए सब कुछ थे, बहुत कम लोग थे रियासत में उस वक़्त जितना पिताजी पढ़े थे, डबल MA, LLB और संस्कृत के विद्वान थे। हम पंडित, मैं पंडितों के घराने से हूँ, राज पुरोहित राज पंडित हैं मेरे पुरखे, मतलब है मेरे दादाजी ताऊ जी। तो जब पिताजी की खबर आई तो यकीन करने लायक तो बात नहीं थी, वो खाली वहाँ पर गए थे, मीरपुर में प्रोफेसर थे वो कॉलेज में, तो उनकी ट्रांसफ़र जम्मू हो गई थी, तो खाली वहाँ पर औपचारिकता वश गए थे कि वहाँ से वो जम्मू में आ जाएं। वो नहीं रहे और मेरी माँ 22 बरस की बहुत ही सुंदर औरत विधवा हो गई, और वो वैधव्य जो था उसका दुख मैंने 7 साल की उम्र से अपनी माँ के साथ भोगा। मेरे दो छोटे छोटे भाई थे, 1 साल भर का था तब, ज्ञानेश्वर, मैंने उसका नाम श्रीकांत रखा था, और बड़ा आशुतोष, वो भी छोटा था, मतलब है 6 साल का, मेरे मुझसे 1 साल छोटा था। वो दास्तान बड़ी लंबी है और बड़ी दुख भरी, वो उन सब दर्दों का याद दिलाती है जो सारी उम्र मैंने अपनी आत्मा पर झेली है। पद्मा जी, ये दर्द जो है, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं और इसको मज़ीद इस पे बात नहीं करेंगे, आपका सफ़र जो है ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से शुरू होता है, आप बहुत आगे चले गए। देखिए, बचपन जो होता है ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का नाम बचपन है जी। है ना, बचपन मेरा पहले मेरे गांव में बीता, मेरा गांव पुरमंडल है, बड़ा ऐतिहासिक गांव है, बीच में देविका बहती है, आसपास शिवजी के मंदिर हैं, और हमारे घर में रोज़ पार्थिव शिव बनते थे, मेरे ताऊ जी शिवजी बनाते थे, 2-3 घंटे वहाँ बैठे रहते थे, और उन शिवजी को बहाने देविका में मैं शाम को जाया करती थी। मेरे ताऊ जी बड़े प्रकांड पंडित थे, पंडित चक्रपाणी शर्मा, और पिताजी के जाने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत लोग दुखी थे पिताजी, बहुत लोगों का। जब 1947, हमको पता भी नहीं था, बोरियां भर भर के फुलके खमीरे और बोरियां भर भर के चावल और ये सब लेके गाँव जो में जा जा के तकसीम करते थे पिताजी, उस वक्त जब ये सब शुरू हो चुका था, सब्जियां मरवा बनवा के लेके जाया करते थे। उनकी भाभी हम बाद में रोती थी कि हमसे पाऊ जी कहते हैं हमारे यहाँ देवर को। तो खैर, पिताजी चले गए, हमारे सर से आसमान जो था वो हट गया। फिर मेरी माँ जो बड़ी सीधी औरत थी, एक शेरनी बनकर 3 बच्चे उसने पाले,
मैं और मेरे दोनों छोटे भाई। मैं हम लोग साल भर गांव में रहे थे, साल डेढ़ रहे, और पिताजी की एक स्टूडेंट थी, वो इंस्पेक्टर थी, तो उन्होंने मेरी माँ को स्कूल में लगा दिया। माताजी वहाँ खुश नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ बड़ी सीधी थी, बड़ी सीधी औरत थी, तो बच्चों को उन्होंने पालना था। कभी ट्रांसफ़र हो जाती तो भी किसी को कहना पड़ता कि अब इनकी जो जम्मू में ही हो ताकि बच्चे वहाँ रहें। मेरे आशुतोष मेरे भाई को मेरे मामा जी अपने साथ उधमपुर ले गए, और कि चलो ये वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, टीचर थे मेरे मामा जी। तो मेरा छोटा भाई और मैं माँ के पास थे, और छोटा भाई जो था, हम जोलन पुत्र कहते हैं डोगरी में, जो बहुत प्यारा होता है, प्यारी तो सबसे मैं माँ को थी। माँ ने मुझे बेटों के ऊपर समझा, हमेशा, कभी नीचे नहीं समझा। कोई भी बात मैं करती थी जो बहुत ठीक नहीं होती थी, तो भी माँ कहती थी मेरी पद्मा ने ये किया, मेरी पद्मा गाती थी ढोलक पे, बहुत लोग गीत गाती थी और गीत गाती थी, घंटों गाया करती थी, और लोग आके कहते थे शकुंतला तेरी कुड़ी बड़ा शैल गांदी है, तो माँ बड़ी खुश होती थी। शकुंतला तेरी लड़की ने ये किया, माँ बड़ी खुश होती थी। स्कूल में कोई ये करना वो, फिर मैं बड़ी छोटी उम्र से ही मैं रेडियो जाना शुरू हो गई, और शायद उस वक्त मैं दसवीं में पढ़ती थी, नवीं या दसवीं में पढ़ती थी, और 20 रुपये मुझे मिलते थे, और 20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। आपका ये रेडियो का सफ़र जो है ऑल इंडिया रेडियो, हाँ, जम्मू से शुरू होता है। हाँ, हाँ, जम्मू मेरा घर है, जम्मू में मैं पैदा हुई, जम्मू में बड़ी हुई, जम्मू में मैं जहनी तौर पर हर वक्त जम्मू में रहती हूँ। तो फिर जम्मू से जब अनाउंसर आप ऑल इंडिया रेडियो थे, तो जम्मू से दिल्ली का सफ़र किस तरह हुआ? ये मेरे हस्बैंड जो थे उस वक्त, हम हमारे मतलब है कुछ, कोई एक बात हुई थी तो लोग मुझे बड़ा तंग करते थे, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने, ये उस वक्त हस्बैंड नहीं थे, मतलब है कलीग थे मेरे, पर ये बहुत अच्छे इंसान हैं मेरे हस्बैंड। तो इन्होंने कहा मुझे एक दिन के, पद्मा जी यहाँ आपको लोग जीने नहीं देंगे, आप दिल्ली ट्रांसफ़र करा लीजिए। और दिल्ली में न्यूज़ थी, और मैं उस वक्त, अच्छा, मेरा नाम हो चुका था, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने लेटर लिख के दी, यहाँ पर भट्ट साहब थे डीजी, उन्होंने लिया, कहा आप जम्मू जाइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और मैंने कहा मैंने जम्मू नहीं जाना है, मैंने यहीं रहना है, और मैं डोगरी में ख़बरें पढ़ूंगी। मुझे याद है दिवाली के दिन मैंने डोगरी में ख़बरें पढ़ी, और जम्मू में हंगामा हो गया, अरे कुड़ी कुत्थे जाई पूजी, खबरां लाई पई पढ़न, बड़ी बात थी खबरें पढ़ना, है ना। मैं 22-23 बरस की थी तब, तो रेडियो में मैंने तीन साल यहाँ खबरें, 7 साल मैं यहाँ रही, क्योंकि 3 साल बाद फिर मेरी शादी हो गई, सरदार जी ने भी जम्मू से दिल्ली ट्रांसफ़र करवा ली, और फिर हम लोग मिलते जुलते रहते थे। तो इन्होंने बहुत इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज़ किया था जम्मू में, कहने लगे आप चली जाइए फिर मैं भी आ जाऊँगा। तो इसका मतलब मुझे समझ आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इतने बड़े पंडितों की लड़की सरदार से शादी करूं, ये मन में एक होता था उस वक्त जो मैं कह रही हूं। तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा, इन्होंने समझा ये करेगी नहीं, 3 दिन छुट्टी लेके घर बैठ गई। फिर मैंने आके इनको ये नहीं कहा शादी, बातें बात से पता चल जाता है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते थे और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब पद्मा जी, जब शादी हुई आपकी, एक मतलब बिल्कुल पंडित घराने की लड़की एक सरदार से शादी कर रही है, तो कोई रिएक्शन हुआ खानदान से कुछ? मैंने बताया ही नहीं किसी को। और जब शादी हो गई उसके बाद? उसके बाद मेरी माँ तो बड़ी खुश थी, मैंने माँ को अपनी और अपने पति की तस्वीर भेजी। मेरी माँ ये चाहती थी कि मेरी बेटी सुखी रहे, तो जब मैंने उनको बताया कि इनके घर में सब लोग अच्छे हैं बड़े, मेरी सास बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अपनी शादी शुदा ज़िंदगी को सफल बनाना है तो सबसे पहले जाके अपनी सास के चरण पकड़ लीजिए। पर मेरी सास अच्छी ही बहुत थी, मुझे सरदार जी ने शादी से पहले ये कहा था कि मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगा, इनको पता था मैं बड़ी लड़ाका हूँ,
है ना, और अपनी मेरी पर्सनैलिटी है, मैं पोइटेस हूँ डोगरी की, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं डोगरी में लिखती हूँ। तो और कोई लोकगीत नहीं है जो मुझे याद नहीं था। अगर मैं ढोलक पर बैठती थी तो 5-5 घंटे का, 6-6 घंटे गा जाती थी, सबको इस बात का पता था। तो सरदार जी ने सोचा कि ये बता दूं कि ऐसा मेरे घर में कोई वो नहीं है। कहने लगे सिर्फ मेरी माँ को बहुत रिस्पेक्ट करना, उनको कभी कुछ मत कहना। तो मैंने जाते ही अपनी सास के पाँव पकड़ लिए, ऐसे ही कि मैं पति को भी भूल गई। और मेरी सास इतनी अच्छी थी, ये सामने उनकी फ़ोटो लगी है, वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, इतना मुझे प्यार दिया कि मुझे कभी लगा नहीं कि मैं जम्मू छोड़कर दिल्ली आई हूँ। और उन्हीं दिनों 1970 में मुझे मिला था, 66 में हमारी शादी हुई थी, तो 1970 में मुझे मिला था साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था। तो मेरी सास धर्मयुग में निकला था, दिनकर जी ने मेरे ऊपर लिखा था, और दिनकर जी ने मेरी किताब का ये प्रस्तावना भी लिखी थी। तो वो 4-5 जगह छपी, बड़ी मशहूर हुई। तो मुझे याद है मेरी सास आंगन में बैठी रहती और जो कोई आता उसको धर्मयुग दिखाती, मेरी बहू की फ़ोटो आई है, ये नहीं दिखाती इस पर आर्टिकल आया लिखा हुआ है कुछ है, मतलब वो कोई समझता भी नहीं था उस वक्त। तो मेरी सास बहुत अच्छी थी, घर के इनके सारे लोग बहुत अच्छे थे, सब ने मेरी नंदें बहुत अच्छी। मैं क्या बताऊँ अब, भगवान ने मुझे कितना दिया है, मेरी झोली इतनी भरी हुई है कि मैं अब उनसे कुछ मांगना नहीं चाहती। पद्मा जी, भगवान ने जितना आपको दिया है आपने उतना कम से कम अपनी मादरी जबान जो है आपकी डोगरी उसको भी दिया है। जब आपको लोग ये कहते हैं कि मदर ऑफ डोगरी पोएट्री है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता, मैं मदर ऑफ डोगरी पोएट्री नहीं, मदर ऑफ डोगरी जो हैं वो लोक गीत हैं हमारी डोगरी। हर भाषा में देखियो, 25-26 भाषाएं हैं हमारे मुल्क में जिनको साहित्य अकेडमी ने भी मान्यता दी है, सरकार ने भी दी है। वैसे 1700-1800 भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, उपबोलियां हमारे यहाँ हैं, ठीक है, और सब में लोकगीत है। और हमारे लोकगीत इतने अच्छे हैं, हालांकि कहीं कहीं मिलते भी हैं, जैसे राजस्थान के लोकगीत हैं वो जम्मू से मिल सकते हैं, पंजाब के मिल सकते हैं। तो इतने लोकगीतों ने सबको जोड़ के रखा है। और दुख की बात यह है कि आज आप कोई लड़की ले आइए, किसी को लोकगीत नहीं आते, और मुझे इस बात का बड़ा दुख है। सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन सरकार को लोकगीत संभाल कर रखने चाहिए। अगर आप अपनी संस्कृति, अपना पास्ट और अपने लोगों को संभाल कर रखना चाहते हैं तो लोकगीतों को संभाल कर रखें। पद्मा जी, आप डोगरी की पहली खातून लिखने वाली शायरा हैं, तो आपने जब डोगरी में लिखना शुरू किया तो आपको लगा नहीं कि डोगरी चूँकि जम्मू में एक लोकल हमारी जबान है, ठीक है आपकी मादरी जबान हुई थी लेकिन उसका दायरा इतना वसी नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकती थी उस वक्त, आप उर्दू में भी लिख सकती थी, तो आपने एक तरह से अपनी मादरी जबान में लिखना शुरू किया और फिर उसका सफर आप यहाँ तक लेके आए और 1970-71 में आपको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। लेकिन उससे पहले उस वक्त आपको लगा नहीं कि मुझे किसी और जबान में लिखना चाहिए ताकि ज्यादा शोहरत हो मेरी? अरे उस वक्त डोगरी संस्था का इतना नाम हो चुका था, बहुत लोग लिखते थे, मधुकर थे, यश थे, दीप थे, रामनाथ शास्त्री थे, इस तरह बहुत लोग थे, दीनू भाई पंत थे जो हमारे पहले पोएट माने जाते हैं, उन्होंने शहर पहलो पहल की नज़म लिखी और तहलका मच गया। तो उस वक्त हम डोगरी का नाम हो चुका था और मैं उसमें लिखना चाहती थी। मैं शुरू में जब स्कूल में थी तो मैं लिखा करती थी हिंदी में और मकबूल भी होती थी, लेकिन मुझे सुख मिलता था डोगरी में लिखकर। अच्छा, तो आप किस जबान को, जो हिंदुस्तानी जिन जबानों में आप लिखती हैं, आप डोगरी में भी लिखती हैं, आप हिंदी में भी लिखती हैं, आपकी चीज़ें उर्दू में भी छपती हैं, तो आपके दिल के करीब कौन सी जबान है सबसे ज्यादा? डोगरी के बाद उर्दू जबान सबसे करीब है। और उर्दू के बहुत सारे अदीब शायरों से आपके ताल्लुकात भी रहे हैं? बहुत बहुत बहुत, उर्दू वालों ने मुझे इतना प्यार दिया। एक बार मुंबई में जब मेरे पति की का तबादला हो गया तो ये वहाँ गए थे, तो नेचुरली मैं तो साथ साथ ही जा गई। तो वहाँ पर सरदार जाफरी थे, इस्मत आपा थी, कुरतलैन हैदर थी, राजेंद्र सिंह बेदी थे, है ना, वो अपने जिनका किशन चंद्र थे, वो तो हमारे पुंछ के ही थे। तो और जो जिन्होंने वो लिखा था, नहीं नहीं अरे
फिल्मों में लिखने वाले सबसे बड़े उस वक्त के शायर, और आज भी बहुत बड़े, क्या नाम है उनका, शायर लुधियानवी थे, है ना। तो इतना स्नेह इन लोगों से मिला, क्योंकि वहाँ डोगरा तो एक हमारे वेदराही थे, वेदराही हैं, भगवान उनकी बड़ी लंबी उम्र करें, वो बहुत अच्छे कहानीकार हैं। शुरू के तीन कहानीकारों में वेदराही भी थे, तो वेदराही भी थे, हालांकि उस वक्त वेदराही को पता नहीं था। हमारे पंडित शिव कुमार शर्मा भी जो संतूर बजाते हैं, मेरा और उनका घर आमने सामने है, मैं बुआ जी के घर रहती थी और उनका घर उनके सामने है। उनकी माँ जो थी शिव जी की, जब मैं छोटी थी तो वो कहती थी, कुड़िए जा रसोई जाइए पानी भरी आवे यहाँ मेरे। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं इन सब लोगों से मिली हुई हूँ, और शिव जी अपनी बहन जैसा मानते हैं, और शिव जी तो हमारे आकाश हैं। पद्मा जी, जब आपने शायरी शुरू की या लिखना शुरू किया डोगरी में, तो आपसे पहले डोगरी में कोई इस तरह की बहुत मजबूत रिवायत तो नहीं मिलती है? नहीं नहीं, आप पहली लोकगीत हैं। हाँ, आप खातून जो हैं, पहली लिखने वाली हैं, तो आपको किस तरह का रिस्पांस मिला, लोगों ने कहा नहीं? अरे बहुत प्यार मिला, क्योंकि मैंने काफी लिखना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये भी आया होगा कि ये लड़की है और ये लिख रही नहीं, है नहीं नहीं नहीं, इस तरह का नहीं। मुझे लोगों ने बहुत प्यार किया, मतलब है कुछ लोगों ने नफरत की, वो और वजह से की, लेकिन लिखने के लिए सब लोगों ने बहुत प्यार की। अब फिर दिल्ली से आप मुंबई चली आती हैं, मुंबई में जिन उर्दू के लिखने वालों से आपके ताल्लुकात रहे, बहुत घरेलू ताल्लुकात। एक बहुत अहम शख्सियत हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, जिन्हें लोग लता मंगेशकर या लता दीदी के नाम से जानते हैं, उनसे भी आपके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। जी जी। और हम अपने बचपन में, हम ये कहें कि चूंकि मेरा ताल्लुक भी जम्मू से है, तो ये पल्ला शिपाहिया डोगरिया सुन के तुम्हारी एक तरह से तरबियत हुई है। पल्ला शिपाहिया डोगरिया जो है वो हमारे किशन समैलपुरी ने लिखा था, क्योंकि जिस वक्त जम्मू में ये बात फैली कि पद्मा के गीत दीदी गा रही हैं, उस वक्त दो वयोवृद्ध लेखक मेरे पास आ गए, एक ये और एक दूसरे, तो उन्होंने कहा हमारे गीत कुड़िए ये बगैर नहीं हो सकता, हमारे गीतों के बगैर नहीं हो सकता। दीदी कह ली मैं किसी का नहीं गाऊँगी पद्मा, मैं सिर्फ तेरे गाऊँगी। मैंने कहा बड़ी दीदी, जो एक आदमी उन दिनों आदमी चांद छू कर आया था, मैंने कहा जो आदमी चांद छू कर आया है वो वहाँ से जो लाया है वही दिखा सकता है ना, चांद को मैंने छुआ है, उन लोगों ने नहीं छुआ, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी चांद को छुएं। आप गाना गाएंगी वो अमर हो जाएंगे, और वाकई दो गीत मैंने दूसरे लिए और दो गीत नहीं, मेरा नहीं है, नहीं ये किशन समैलपुरी का है। लेकिन चूंकि जब भी हम इसको YouTube पे सर्च करते हैं या जितने भी सोशल मीडिया इन पे सर्च करते हैं, तो वो आपका और लता जी का नाम आता है उसमें, नहीं पर उसमें मेरा नाम आप कटवा दीजिए, क्योंकि मेरी लोरी है और एक और गीत है, एक है ओडनु रंगी दे लालारिया, एक हमारे दूसरे शायर का है, वो भी बहुत 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 अच्छा। चूँकि मेरे हस्बैंड गाना गाते हैं ना, सरदार सुरेंद्र सिंह सिंह बंधु, उस्ताद मीर खान साहब के शागिर्द हैं दोनों भाई, ये गाते रहे, तो इसलिए ये सब मेरे हस्बैंड ने देखा, और म्यूज़िक का जो भी करना था वो सब हृदयनाथ भाई साहब ने किया, है ना, पर धुने मेरी थी, तो इसलिए नाम मेरा गया कि म्यूजिक डायरेक्टर भी पद्मा सचदेव। फिल्म जो है प्रेम पर्वत जो 1973 में रिलीज हुई, उसमें भी आपकी लिखी हुई चीजें लता जी ने गाई हैं। हाँ, तो फिर ये क्यों ऐसा हुआ कि आप एक जमाने में जिसको लता मंगेशकर जैसी अजीम गुलकारा गा रही है, फिर वहां से आपने बिल्कुल वापसी का सफर किया? ऐसा हुआ कि जैसे गीत लिखते हैं ना, मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे लिखते हैं, फिर उसी के बारे में आदमी सोचता रहता है, फिल्म का गीत है तो उसी के बारे में सोचता रहता है। हाँ, पांच पांच छः छः मुकड़े बनाकर उनको दिखाते थे, सब दोस्त थे हमारे जान पहचान के, तो कल्याण जी भाई थे हमारे घर के सामने ही, उनका घर था, तो कह नहीं पद्मा जी ये होना चाहिए। मैंने कहा कल्याण जी भाई आपको उर्दू आती नहीं है तो आप मुझे कैसे बता रहे हैं इसमें उर्दू डालूँ? मैंने कहा ना ना पद्मा सचदेव, अगर मेरी डोगरी के गीत मेरे पास आने बंद हो जाएंगे तो मैं फिल्मों में नहीं लिखना चाहती। बस एक फिल्म में लिखा, मकबूल हुई, राजेंद्र सिंह बेदी जी की एक फिल्म थी, मैं कहती हूँ आँखें देखी, उसमें लिखी, वो रिलीज़ ही नहीं हुई, कुछ उनकी अपनी वजहों से जो भी था, तो मुझे कुछ मतलब है लालच नहीं रहा फिल्मों में लिखने का। मैंने बड़ी दीदी के 1000 रिकॉर्डिंग्स अटेंड की हुई हैं, मैंने उन पर जो किताब लिखी है वो ऐसे ही नहीं लिखी है, बहुत उस वक्त तो नहीं सोचा था मैं किताब लिखूंगी, पर मैं नोट्स बनाया करती थी,
तो फिर मैंने किताब लिखी और इतनी मकबूल हुई है, मराठी में जो छपी है, दीदी ने मराठी में करवा के छपवाई, तो वो इतनी मकबूल हुई है वहाँ पर कि इतने फ़ोन मुझे आते हैं, और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि दीदी ने मुझे मुझे तो जानती भी हैं, प्यार भी करती हैं, तो मतलब है पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने मुझे मकबूल करवा दिया। और उसके बाद जब मुंबई आप गई, तो मुंबई में इन सब लोगों से आपके ताल्लुकात रहे, फिर जम्मू से एक तरह से, वैसे जैसे आपने पहले भी फरमाया कि आपका एक ज़हनी ताल्लुक जम्मू से, वैसे ही आप रहती यहाँ हैं लेकिन बस्ती जम्मू में है, लेकिन मुंबई दिल्ली इन बड़े बड़े शहरों में रहने के बाद आपकी तहरीरों का हिस्सा जम्मू आज भी है, और जम्मू के ऊपर आपकी किताब भी है, और एक किताब नहीं है कई किताबें, कई किताबें हैं, और एक खास मैं जिक्र करना चाहूँगा, जम्मू जो एक शहर था उसका मैं खास जिक्र करना चाहूँगा, और आपसे जानना ये चाहूँगा कि उस किताब को लिखने का ख्याल कैसे आया। मैं जम्मू के रीति रिवाज, जम्मू के प्यार वाले लोग, जम्मू के लोकगीत, जम्मू में रहने सहने के तरीके, ये सब लिख बताना चाहती थी, तो मैं सोचती रहती थी कि मैं चीज़ें अब तकरीबन ख़त्म हो रही हैं, तो मुझे ध्यान आया कि वहाँ पर एक नाइन थी, उन दिनों नाउ जो थे, नाइने जो थी, वही शादी ब्याह करवाती थी, वही तोड़वाती थी, वही मतलब है ये सब चलता था, कुड़माइयाँ हो रही हैं, वैसी लड़की, ये सब दिखाते विखाते थे, तो वो जो थी वो मेरी ताई जी के मैके थी, की थी ताई के मैके थी सुग्गी, तो उसको भी मैं मौसी कहती थी, वो मुझे बड़ा प्यार करती थी, तो सब जो हर किसी की खबरें उनके पास रहती थी, तो मैंने सोचा सुग्गी को इसका वो बनाया जाए हीरोइन, तो उस पर फिर लेकर मैंने जम्मू को लपेटा। हाँ हाँ, तो पद्मा जी जब 1971 में आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और गालिबन आपसे पहले किसी भी खातून को कम से कम डोगरी में, क्योंकि आप पहली शायरा हैं, तो किसी को नहीं मिला, और आपसे पहले एक या दो लोगों को साहित्य, एक आदमी को मिला, वो कहानीकार थे। हाँ, और उसके बाद आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, तो जब साहित्य अकेडमी मिला तो उसके बाद जिस जबान में आप लिख रही हैं, जिस जबान की वजह से आपको मिला है, उस जबान के लोगों ने का रिस्पॉन्स किस तरह का रहा, जो उनके लोगों ने बहुत मुझे प्यार किया, सब ने बहुत मेरी इज्जत की, बहुत प्यार किया, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं अपने डोगरे लोगों के लिए ही लिखती हूँ डोगरी में, और देखो एक बोरी चावल में, या एक इतने बड़े बोरी है उसके चावल में, अगर मुट्ठी भर कंकर हैं तो कंकर लोग निकाल देते हैं, तो कंकरों जितने दुश्मन, तो मेरे भी दुश्मन क्या कि अच्छा कुड़ी ये करी वो करी, मतलब हैरानी, तो बड़ी हसद और जलन, बड़ी दीदी जो है ना, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, जौक यारों ने बहुत जोर गज़ल पे मारा, अब उसके जैसा तो कोई है नहीं, कितनी औरतें आज, कितनी लड़कियां गा रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, लेकिन एक वो थी तो वो एक ही है, वो फिर दूसरा नहीं हुआ, उनसे मुलाकात होना, उसमें लालच यही था कि दीदी मेरी डोगरी के गीत गाएं, पर फिर मैं उनके घर में इतनी रम गई, उनके भाई की शादी हुई, मैंने बहुत गीत गाए, क्योंकि माई जो थी, मैंने कहा दीदी के सामने नहीं गाऊंगी, है ना, मैं बिसुरा नहीं गाती हूँ, मैं अभी आपको एक अपना कथा बाद में सुना दूँगी जब भी आप कहेंगे, तो वो बहुत मेरा घर जैसा हो गया, क्योंकि दीदी की माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। तो पद्मा जी, ये डोगरी जो गीत हैं, लोकगीत तो एक अलग रहे, लेकिन डोगरी की जो शायरी है और डोगरी में जो साहित्य लिखा गया है, तो आपसे पहले लोग हैं ऐसे लिखने वाले? अरे बहुत बड़े, मतलब है रामनाथ शास्त्री जी ने डोगरी संस्था लोगों के साथ मिलकर बनाई, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल थे, जब मैं गई तब बहुत अच्छा लिखा जा रहा था डोगरी में, कोई मैंने कोई बहुत औरत मैं पहली थी, लड़की छुई मुई सी एक तरफ बैठी रहती, मुझे शास्त्री जी के छोटे भाई, जिनको मरणोपरांत पहला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला करता था, वो मुझे कहते थे पद्मा जी ऐसा करो, अंदर गए अंदर नहीं यहाँ करिए बवा करो, हंसा करो, भीतर ही भीतर मत ये किया करो, तो बहुत बढ़िया लिखते थे वो कहानीकार, वेदराही और ये, और एक और थे मदन मोहन,
अरे क्या क्या कहानियां लिखी गई हैं हमारी लड़कियां, कितनी अच्छी कहानियां लिख रही हैं डोगरी में। अब तो खैर बहुत लोग हैं जो लिख रहे हैं। मैं हूं अगर तो क्या है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम लेकिन हो। लेकिन ये है कि इस वक्त डोगरी में जो लिखा जा रहा है और खास तौर से खवातीन या औरतें जो लिख रही हैं, जाहिर है उस जो इमारत हमारे सामने खड़ी है उसकी नींव जो है वो आपने रखी है और उसका पहला पत्थर भी आप ही हैं जिसके ऊपर इतनी अजीम और बड़ी इमारत खड़ी है। पत्थर की वजह से बड़े पत्थर पड़े नहीं वो तो सब है। आपसे एक आखिरी सवाल पद्मा जी, ये जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो लिटरेचर इस वक्त लिखा जा रहा है, चाहे वो डोगरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे और जबानें हो, आप बहुत सारी जबानों से वाकिफ हैं, आप उनका अदब पढ़ती हैं, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया एक छोटे से गाँव में बदल गई है और इंटरनेट की दुनिया आ गई है, इस दौर में साहित्य या लिटरेचर कोई अपना वजूद रखता है या रख सकता है? क्यों नहीं, वजूद रखे हुए है, रख सकता है और रखेगा। और अगर लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है थोड़े दिनों बाद, देखो वो हिंडोला होता है ना, यूं चलता है जी। यूं चलता है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, हर बार दो जने जिनको मैं देख रही हूँ वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिंडोले में आते हैं। इसी तरह भाषाएं भी मरती नहीं हैं, वो यूं चलते 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 आपके पास आएंगी, क्योंकि भाषाओं को प्यार करने वाले भी लोग बहुत हैं, भाषाएं बोलने वाले भी बहुत लोग हैं। आप पंजाबी में कितनी कितनी अच्छी पोइट्री होती है, पंजाबी के लोक गीत कितने अच्छे हैं, है ना, वो मुझे बहुत आते हैं और डोगरी के तो खैर सबसे ज़्यादा ही आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमारी भाषाएं भी कभी मरेंगी नहीं और लिटरेचर भी नहीं, अदब भी नहीं, अदब भी नहीं मरेगा, क्योंकि अदबी लोग जब तक हैं मर नहीं सकता जी। हालांकि एक बुरा वक्त सब पे आता है और ये बुरा वक्त लिटरेचर या अदब पे नहीं है बल्कि उन लोगों पे आया है जो लिटरेचर और अदब से आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं। इसीलिए हमारा मुआशरा जो है देखिए किस तरह बेरहमी का शिकार है, कितनी खराबियाँ आ गई हैं और जिस कदर खराबियाँ मुआशरे में हैं, इसकी एक वजह, बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी एक वजह जो समझ में आती है वो ये भी है कि हम लोग अदब से, आर्ट से, लिटरेचर से, मौसीकी से, म्यूजिक से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। और वो इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि हमारी माएँ बचपन में, ज़रा सा बच्चा बड़ा होने लगता है, मम्मा, माँ कहते थे हम लोग, मदर, योर फादर, गो टू स्कूल, डू दिस, ये अंग्रेज़ी में बोलती हैं, ये पहले हमारी भाषाओं में बोला जाता था। ये लोग आज भूल जाते हैं कि ये भाषा, हालांकि अब हमने अडॉप्ट कर लिया है अंग्रेज़ी को, साहित्य अकादमी ने भी कर लिया है और सरकार ने भी कर लिया है, हम अपनी भाषा उसको मानते हैं, लेकिन हमारी भाषाओं से ऊपर तो नहीं हो सकती ना। इसको बोलने वाले जो थे उसको निकालने के लिए हमारे लाखों लोग मर गए, है ना जी। जी तो वो आज जो लड़कियां हैं, बोलो अंग्रेज़ी ज़रूर बोलो, पर किसी को इम्प्रेस करना हो तो अंग्रेज़ी बोलती हैं। मैं उर्दू बोलकर भी किसी को भी इम्प्रेस कर सकती हूँ, मुझे अंग्रेज़ी अच्छी भी नहीं लगती है और उतनी ज़्यादा आती भी नहीं जी। पद्मा जी, आपका ये जो सफ़र था इसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए, जो सफ़र आपने शुरू किया है, और सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए लेकिन चूँकि वक्त की एक कैद रहती है और उस वक्त के अंदर जितनी चीज़ें हम समेट सकते थे वो कोशिश की हमने, और जो चीज़ें बच गई हैं फिर कभी आपसे वक्त लेंगे और उन पे भी बात करेंगे ज़रूर। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी पद्मा सचदेव, जो डोगरी का और हिंदी का नहायत ही अहम और मोतबर नाम है। आज हमने आपकी मुलाकात इनसे करवाई और इस सफ़र को हम आगे भी जारी रखेंगे। हम आपकी मुलाकात एक बार फिर ज़रूर पद्मा सचदेव जी से करवाएंगे। जो बातें रह गई हैं वो बातें तब होंगी, फिलहाल आप इन्हीं बातों को सुनिए और इन्हीं से लुत्फानंदोज़ होइए। जो सफ़र पद्मा जी ने शुरू किया था उसका कुछ हिस्सा हम आपको सुना पाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।